सो हाई एवरी वन, माई सेल्फ दिशा, वेलकम टू माई न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। आज मैं नोएडा आई हूँ एंड नोएडा में ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये एसोटेक बिजनेस के रेस्टोरा है, सेक्टर 135 नोएडा में। इसमें सुनने में आया एक रेस्टोरेंट है नमस्ते भारत के नाम से, मेरी एक फ्रेंड है जिसने विजिट भी किया था और बहुत अच्छा रिव्यू आया है। तो चलो आज देख के आते हैं, रिव्यू लेते हैं, आ जाओ। सो गाइस, पहुँच गए हैं हम नमस्ते भारत रेस्टोरेंट में। अब आज देखते हैं इनका खाना बनाने का प्रोसीजर क्या होता है और उसके बाद क्या टेस्ट आता है, और वो मैं टेस्ट का रिव्यू शेयर जरूर करती हूँ। चलो चले अंदर। चलो गाइस, एंट्री तो हमने ले ली है, मेन्यू भी ऑलमोस्ट हमारे हाथ में आ गया है। तो अब हम ऑर्डर करने से पहले पूछ लेते हैं क्या बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आगे देखते हैं क्या ऑर्डर करना। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, यहाँ पे बेस्ट आपकी क्या फूड? बेस्ट मैं आपको एक बार बता देती हूँ। बेसिकली हमारे पास जो स्टार्टर्स है उसमें आपको पनीर टिक्का मिल जाएगा, तवा चाप मिल जाएगा। तवा चाप आपका ग्रेवी में ही आता है बेसिकली। वो आपका मेन कोर्स ही है। और आपको मेन कोर्स में पनीर लबाबदार आप ट्राई कर सकते हैं मैम। पनीर लबाबदार हो जाएगा, कढ़ाई पनीर हो जाएगा। एंड ब्रेड्स में आपका नान हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक पनीर लबाबदार करा दीजिए। दाल मखनी होगी? यस मैम, हो जाएगी। दाल मखनी टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगेगी। श्योर मैम। दाल मखनी एंड ब्रेड्स में एक नान, क्योंकि इतना तो मैं खाती नहीं हूँ, तो एक काफ़ी। ठीक है, और देखते हैं आपके यहाँ का कैसे मेकिंग है एंड उसके बाद टेस्टिंग क्या रहेगा। बिल्कुल। अभी तक का तो जो जितना भी एनवायरनमेंट मैंने देखा है बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और देखते हैं अब आगे टेस्ट का हमारा जर्नी कैसा लगेगा। टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको एक बार किचन विजिट करा देती हूं। आइए। ओए होए होए, ये है हमारा किचन, नमस्ते भारत का ये रहा पूरा किचन। चलिए अब चेक करते हैं और देखते हैं कैसे बन रहा है हमारा पनीर। अब ये डल रहे हैं हमारे मसाले। ये डल गए हमारे और मसाले जो हमारे पनीर को बनाएंगे एकदम लबाबदार। पता नहीं टेस्ट में कितनी आग होगी।
दाल मखनी के मसाले, जड़कते भड़कते मसाले डल रहे हैं जी। इसकी तो खुशबू मसाले डलने के बाद लो जी आ गया मक्खन। ये मक्खन तो कच्चा करेगा तो मोटा जरूर कर दे, और दाल मखनी अच्छी लगी तो डेली दाल मखनी ऐसी लेनी पड़ेगी, और दाल मखनी का मक्खन के बगैर भी कोई स्वाद नहीं है। दाल मखनी चमका रही है आप अच्छे से। बड़ी जल्दी बना देते हैं यार आप, इतनी क्विक सर्विस। मैं तो किचन में जाती हूँ, मेरे को दो घंटे डिसाइड करने में लग जाता है क्या बनाना है। चलो अब ये रेडी तो हो गया है सब कुछ, तो अब चलिए बाहर चलते हैं, बैठते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट आता है हमारा। चलिए बाहर चलते हैं। देसी घी डाल रहे हो? देसी घी मक्खन सारी चीज़ें, वाह भाई वाह। अब पता नहीं टेस्ट भी देसी घी की तरह, घी जैसा ही टेस्ट होगा प्रॉपर। अब ये जी है मेरा नान जो कि मैं खाऊंगी। ये क्या डाला भैया आपने? कलौंजी। ओके चलते टेबल पे, जब तक हमारा नान होके रेडी आता है हमारी टेबल पे। ओए होए होए, इतना कलरफुल खाना आ गया है ना। चलो अब देखते हैं एक एक करके, मैं टेस्ट करके देखती हूँ क्या चीज कैसी है। पहले मैं टेस्ट करूंगी पनीर लबाबदा। इतना अच्छा टेस्ट है कि मैं बोल भी नहीं सकती, जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी ना उससे लागुना अच्छा टेस्ट है। और इसके साथ साथ अब देखती हूँ दाल मखनी का क्या टेस्ट है। दाल मखनी में तो मक्खन और घी इतना था, ये जी हमारी दाल मखनी। इतना अच्छा टेस्ट है ना कि मैं बता भी नहीं सकती, और इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से, इतनी क्लीनलीनेस वे में, हमने जैसे देखा कि किचन में कितने अच्छे तरीके से वो कुक कर रहे थे, कुछ भी वो नहीं था, गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल क्लीन था। और जैसे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, जो नाम है ना नमस्ते भारत, इसके अंदर एंटर करते मुझे पूरे भारत की व्यू आ गई। जैसे आप वहाँ सामने देख सकते हैं हमारे जो जो आदर्श हैं, जो हमारे सीनियर हैं, सबकी डिस्प्ले सब कुछ, एंड पीछे बैकग्राउंड में देखो तो गांव का लुक आ रहा है लिटरली पूरा, जैसे पूरे हम गांव में बैठे होते हैं ना, पूरे गांव का व्यू आ रहा है। सो चलो गाइज, अब मैं ज़रा कर लूँ अपनी थोड़ी पेट पूजा, क्योंकि मेरे को ये देख के मेरे से रुका नहीं जा रहा, और मैं जिस तरीके से खाऊंगी मैं आपको नहीं दिखाना चाहती मैं कैसे खाऊंगी। सो गाइज, जब भी कभी भी नोएडा एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सेक्टर 135 में एसोटेक बिजनेस के रेस्टोरा में आके नमस्ते भारत में खाना ज़रूर खाना यार, इतना अच्छा टेस्ट है ना क्या ही बताऊँ। सो थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।